सो गाइज, आज इस वीडियो में हम HTML, CSS और JavaScript की मदद से एक ड्रम वेब ऐप बनाने वाले हैं बिना किसी फ्रेमवर्क के। तो चलिए मैं आपको उसका प्रीव्यू दे देता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होने वाली है। इस ड्रम वेब ऐप को बनाने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो है HTML, CSS और JavaScript की बेसिक नॉलेज। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है इन तीनों की, तो अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ड्रम वेब ऐप ईजिली बना पाएंगे। इस वेब ऐप को बनाने के लिए हमें कुछ साउंड्स की और इमेजेस की नीड होगी। मैं उसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे एक ड्रम वेब ऐप नाम का फोल्डर बना लूंगा और उसमें जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, यानी कि मेरी साउंड्स और इमेज, वो उसमें डाल लूंगा। अब मैं ये फोल्डर VS कोड में खोलूंगा। आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं उसमें इस फोल्डर को खोल सकते हैं ऑफकोर्स। और बहुत से बिगिनर्स को नहीं पता होता है कि हम कमांड लाइन का यूज़ करके भी इस फोल्डर को VS कोड में खोल सकते हैं। अगर हम यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे CMD और इसके बाद यहाँ पर एंटर मारना है, तो कुछ इस टाइप की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर हम डालेंगे कोड स्पेस फुल स्टॉप और एंटर मारेंगे, तो ये लीजिए आपका VS कोड में खुल गया ये फोल्डर। हाँ भाई, हमें पूरा भरोसा है इस पर। और यहाँ पे हम HTML, CSS और JavaScript फाइल बना लेंगे इस फोल्डर में। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, index.html बनाएंगे। और मतलब जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, वेल इंडेक्स ही प्रेफर किया जाता है। फिर डिस्क्रिप्शन में टाइम्स दे दूंगा, जिससे कि जिन लोगों को सिर्फ JavaScript वाला पार्ट देखना है वो वहाँ पे जंप करके सिर्फ उसे देख सकते हैं। तो बॉयलरप्लेट डाल के स्टार्ट करते हैं। मैं इसे टाइटल दूंगा ड्रम वेब ऐप, और यहाँ फिर हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसी दिख रही है हमारी ऐप, बिल्कुल ब्लैंक। तो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम पहले से बैकग्राउंड देते हैं, चलते हैं CSS में। और यहाँ हमें डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम अपनी ही देंगे। तो यहाँ मार्जिन 0 और पैडिंग 0। और फिर यहाँ पे हम बॉडी टैग खोल के यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज देते हैं इसको, बैकग्राउंड इमेज URL drumbg.jpg। तो यहाँ सेव करते हैं और फिर देखते हैं कैसी लग रही है हमारी बैकग्राउंड इमेज। तो ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पे आई नहीं है क्या, हमने स्पेलिंग गलत डाली है वहाँ? देखते हैं, नहीं यहाँ तो सब ठीक है। फिर ये क्यों नहीं आई भाई? अच्छा, हमने index.html में CSS तो लिंक करी नहीं है। तो ये हमने लिंक करी और सेव, और यहाँ पे देखते हैं। हाँ अब आ गई, पर यहाँ पे हमारा ये यहाँ कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, कट रही है थोड़ी। तो यहाँ पे हम इसे बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर, और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट को कर देंगे नो रिपीट। तो अब देखते हैं, हाँ अब ये एकदम परफेक्ट दिख रही है। तो चलिए अब HTML लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा और उसे क्लास दूंगा कंटेनर, और फिर इसके अंदर मैं 9 डिव्स बनाऊंगा विद क्लास इक्वल टू की। यही आपका VS कोड का फायदा है, बहुत शॉर्टकट मिलते हैं इसमें। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ डालेंगे ASDFGHJKL। आप मतलब जो चाहे डाल सकते हैं, वो उस कीज़ के अकॉर्डिंग ही वो साउंड क्रिएट होगी, इस वजह से हमने ये डाले हैं। और यहाँ पे हम हर डिब में ये जो हमने की डाली है, जैसे मैंने यहाँ डाली है ए, तो इस ए का एक हमारे जितने भी कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, जितने भी बटन्स होते हैं, तो हर किसी का एक पर्टिकुलर कोड होता है, तो हम उसे उस की डेटा की कहते हैं। तो यहाँ जो हमारी सबकी डेटा कीज़ हैं हमें वो डालनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप जिस भी की चाहे डेटा की पता कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबकी डेटा की डाल देता हूँ जल्दी से, आप पॉज करके डाल लीजिएगा। तो यहाँ हमारी डेटा की डाल गई, एक बार देख लेते हैं हमारी वेब कैसी दिख रही है। तो इस समय कुछ ऐसी है, यहाँ पे STF सब डल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे बस एक चीज़ और करनी है HTML में, हमें नीचे ऑडियो टैग डाल के यहाँ पे हमारी जितनी भी म्यूज़िक फाइल्स हैं उन सबका पार्ट डालना है यहाँ पे, जिससे कि हमारी म्यूज़िक फाइल्स हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लगा सकें। तो यहाँ पे मैं सबके पार्ट डाल दूंगा, मेरी जितनी भी 9 म्यूज़िक फाइल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी म्यूज़िक फाइल्स के पाथ डाल दिए हैं। अब बस यहाँ मुझे एक काम करना है, जो मेरी म्यूज़िक फाइल्स हैं सब में मुझे डेटा की डालनी है, उस पर्टिकुलर बटन की जिस पे मैंने ये म्यूज़िक फाइल्स असाइन किए। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ए क्लिक करे तो मेरी एक क्लैप वाली म्यूज़िक फाइल
बच जाए तो फिर मैं यहाँ पे एक ही डेटा की डालूंगा, यानी कि डेटा की 65 डालूंगा मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट। तो यहाँ पे हम इसी तरह इन सब ये जो बाकी की 8 कीज हैं इन सब की डेटा की यहाँ पे डाल देंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा HTML का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं CSS पे। तो यहाँ मैं अपनी सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं इन्हें थोड़ा सा विजिबल बनाऊंगा, इन्हें कलर दूंगा और इनका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। तो देखते हैं क्या क्लास दे रखी है, मैंने इनको की दे रखी है। तो यहाँ मैं की क्लास सेट करता हूँ। तो यहाँ मैं फॉन्ट साइज दूंगा 2.5 रन देखते हैं, और कलर देखते हैं वाइट। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। और हाँ, अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अगर हम बाद में जब इसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे अगर देखेंगे तब थोड़ा फॉन्ट साइज अगर हमें कम लगेगा तो बढ़ा देंगे। वैला वैसे थोड़ा बॉर्डर देते हैं, तो हाँ यहाँ मैं बॉर्डर देता हूँ उसे आई थिंक 0.5 रैम ठीक रहेगा, और सॉलिड ब्लैक। तो देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इससे विड्थ हम कम करेंगे, 5 रैम ठीक रहेगी आई थिंक। हाँ, तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। इसे थोड़ा बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस आई थिंक 20 पिक्सल ठीक रहेगा, 20 पिक्सल। हाँ, अब हम इसे हॉरिजॉन्टली पहले अलाइन कर लेते हैं, फिर हम इसे पैडिंग और मार्जिन देके देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए हमारा ये जो कंटेनर है तो हम इसको सेट करते हैं थोड़ा, ये कंटेनर स्पेलिंग गलत हो गई। कंटेनर में हम डिस्प्ले दे देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और अलाइन आइटम भी सेंटर। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये तो हो गया, पर ये मेरा बीच में क्यों नहीं आया, देखते हैं शायद इसकी हाइट कम है। तो हाँ, इसकी जब हाइट ही इतनी है ऊपर तक तो ये बीच में आएगा कैसे, तो हमें इसकी थोड़ी हाइट देनी होगी। तो हाइट हम इसकी कर देते हैं 100 व्यू हाइट, और अब देखते हैं। हाँ, अब ये आ गया है, बिल्कुल सेट हो गया है। वैसे हम थोड़ा सा मतलब लुक इसका बेटर करते हैं, अभी इतना बढ़िया नहीं लग रहा है ये। तो पहले तो ये जो वर्ड्स हैं मैं यहाँ बीच में लाता हूँ, तो यहाँ हम देंगे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये वर्ड्स तो बीच में आ गए, अब इसे थोड़ा और ये शायद ये थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा मोटा हो गया, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे, 0.4 रैम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। और अब हम इसे बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड हम देंगे इसे RGBA देते हैं। तो RGBA 0, ये भी 0, ये भी 0, और इसको कर देते हैं 0.4। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, अब काफ़ी अच्छा है ये। और थोड़ा सा इसको बॉक्स शैडो भी देते हैं, बॉक्स शेडो हम देंगे 0, 0, और नहीं इसको 1 कर देते हैं, और ये 1 रैम ब्लैक। अब देखते हैं कैसा। हाँ, अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसे थोड़ी अगर हम मार्जिन ऑफ पैडिंग और दे रहे हैं तो और मज़ा आ रहा है। तो इसको हम मार्जिन दे देते हैं 1 रैम, और पैडिंग आई थिंक सही रहेगी 1 रैम और 0.5 रैम। हाँ, अब देखते हैं। हाँ, तो अब ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें और इसमें स्टाइलिंग ऐड करने की नीड है। तो अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। और गाइस ये मत सोचिएगा कि ये जो मैंने बैकग्राउंड और बैक शेडो में बॉक्स शेडो में कलर सेट किए हैं तो इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया हो जाएगा, और फिर आप खुद बड़ी बड़ी डिज़ाइन बनाने लगेंगे। तो पहले मैं अपनी HTML में जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ, वरना फिर पिछली बार की तरह मैं लगा दूंगा जैसे CSS लगाई थी, और मैं सोचूंगा कि ये वर्क क्यों नहीं कर रही। तो यहाँ कर लिया हमने जावास्क्रिप्ट ऐड, और हम पहले तो हम ये देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम चाहते क्या हैं यहाँ। और मुझे लगता है मोस्टली लोग आप जावास्क्रिप्ट देखने ही आए होंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी इस विंडो के अगेंस्ट कोई भी ये बटन है जो ASDF इनमें से कोई मतलब क्लिक करे, तो हम जो उस बटन की जो डेटा की है उसके अगेंस्ट हमने जो म्यूज़िक फाइल सेट करी है
वो प्ले हो जाए। जैसा अगर किसी ने एक लग किया तो एक ही डेटा की है 65, तो ये 65 डेटा की वाली जो साउंड है क्लैप की, ये प्ले हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और ये इवेंट का वर्ड जब कोई की डाउन होगी तो की डाउन, तब हमारा रन हो जाए ये फंक्शन। तो और गाइस हम इस फंक्शन में डालेंगे ई। अब आप में से बहुत लोगों को नहीं, बहुत सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है इसमें कि ये ई क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ई, ये मान लीजिए एक बंदा है जावास्क्रिप्ट का, जो आपका अगर आप यहाँ पे कोई भी इवेंट करेंगे, कोई बटन क्लिक करेंगे या माउस से कोई कुछ क्लिक करेंगे, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला के आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ई, तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि वो जो बंदा ई है वो जो भी इन्फॉर्मेशन लाए वो मेरे कंसोल में शो हो। तो यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ और यहाँ मैं प्रेस कर दूंगा ए, सॉरी यहाँ प्रेस करते हैं ए। अब देखते हैं कंसोल खोल के, तो खुल गया है। देखिए यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो जो मैंने एक क्लिक किया तो वो कह रहा है कि ये कीबोर्ड इवेंट है। अगर मैं माउस का कोई बटन क्लिक करता वो कहता माउस इवेंट है, तो मैंने कीबोर्ड का कहा इसलिए कीबोर्ड इवेंट है। और देखिए ये है इसकी सारी अंदर इन्फॉर्मेशन कि क्या उसके संग एल्ट की प्रेस हुई है, नहीं हुई है, और उसका की कोड क्या है, की ए है, मैंने क्योंकि ए प्रेस करी थी। अब देखिए उसका जो हमारा 65 है वो भी हो गई, ये रहा देखिए उसका वो की कोड भी ले आया 65। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले आता है ये जो ई है, जो भी हम इवेंट करेंगे अपनी विंडो। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं जब भी कोई, मतलब इसको हटा देते हैं, इसकी इतनी नीड नहीं है, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। तो अब हम चाहते हैं जब भी इस विंडो के अगेंस्ट इनमें से कोई भी की प्रेस हो तो उसके अगेंस्ट जो हमने यहाँ पे साउंड रखी है वो प्ले हो जाए। तो const audio equal to document dot query selector। अब मेन चीज़ यह है यहाँ पे हम टर्सरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सपोज़ किसी ने एक क्लिक किया तो उसका डेटा की 65 है, तो हमारी वो जो हमारी ये 9 ऑडियो HTML टैग्स हैं, तो वो ऑडियो HTML टैग जिसकी की 65 है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाए और उसकी साउंड प्ले हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब भी ये फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे टर्सरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम लिखेंगे ऑडियो डेटा की इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम डबल क्वोट्स लगाते हैं और यहाँ पे डॉलर की, ये जो हमारा ई जो की कोड लाया है उसके ई की कोड। तो लीजिए हमारा ये पूरा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो इसका ये कोड लिखा है इसका, तो इस तरह से वर्क करेगा कि जैसे ही अगर मैंने एस वहाँ पे क्लिक किया विंडो पे, तो ए का जो की कोड ये लाया होगा ई, तो वो की कोड इसका लेगा और वो की कोड होगा 65। तो जिस भी ऑडियो एलिमेंट की जो डेटा की होगी 65 वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर अभी हम लिख देते हैं ऑडियो डॉट प्ले, तो उसकी साउंड प्ले हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि वर्क कर रहा है, नहीं अभी वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं कोई एरर है क्या। हाँ यहाँ एक एरर है, डी इज़ नॉट डिफाइंड। डी कहाँ लिखा है, ओ यहाँ पे डी लिख दिया मैंने, ई डॉट की कोड करना है मुझे। तो अब देखते हैं कि यार क्या ही वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है, अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी प्ले ऑफ नल। तो यहाँ हमसे क्या, अच्छा सॉरी गाइस यहाँ पे ये प्ले एक फंक्शन है, तो हमें ये पेरेंथेसिस लगाने होंगे। अब देखते हैं, तो अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए हमारी सारी साउंड जो भी हम बटन क्लिक कर रहे हैं वो बज रही है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लगातार एक क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो बीच में मतलब थोड़ा सा वो पॉज ले रही है। अगर मैं लगातार एक क्लिक करूँ तो दो बार बजनी चाहिए, लेकिन एक ही बार बज रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे इफ नॉट ऑडियो देन रिटर्न नथिंग। तो मतलब जो हमने ये कोड लिखा है ये ऐसे वर्क करेगा कि अगर सपोज किसी ने जैसा क्यू या डब्ल्यू ऐसी कोई की क्लिक करी जिसके जिसके लिए हमने साउंड मतलब यहाँ पे लगाई नहीं है, हम नहीं चाहते कि साउंड बजे, तो
नथिंग रिटर्न होगा, कुछ मतलब होगा नहीं उसका। और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे ऑडियो डॉट करेंट टाइम इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखते हैं कैसे वर्क कर रही है। हाँ, तो गाइस आप सुना होगा कि जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे वो उतनी बार बच जाएगी। अब ये लगातार बच रही है कंटिन्यूसली। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ स्टाइलिंग और ऐड करते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कोई क्लिक करे वो साउंड बजे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ बढ़िया आया है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ हम ऐड कर देते हैं। पहले तो हम ये जो इसका बॉर्डर है, ये जो की है, तो हमें इसके बॉर्डर में ऐड करना है। तो पहले तो हम ये की के लिए हमें सिलेक्ट करने के लिए एक लिखना होगा कॉन्स्ट की इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ हम लिख देंगे डॉट, यहाँ पे भी हमें टर्सरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम वही क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी डेटा की वो हो जो इवेंट की है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा की इक्वल्स टू डॉलर, यहाँ पे डबल कोट्स लगाना भूल गया मैं, डॉलर एंड ई डॉट की कोड। अब यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे पहले तो प्लेइंग नाम की, डॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे हम CSS देते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, और यहाँ पे हम दे देते हैं बॉर्डर कलर कितना देना है। बॉर्डर कलर हम दे देते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ एक मिनट, यहाँ सेमी कोलन लगाना था मुझे। तो यहाँ बॉर्डर कलर हम दे देते हैं हैशटैग, आई थिंक ये ठीक रहेगा, 11EB11। और यहाँ फिर से सेमी कोलन लगा के हम बॉक्स शेडो दे देते हैं इसे, बॉक्स शेडो आई थिंक सही रहेगी 0 0 10। और यहाँ का ये पिक्सल होगा और यहाँ कलर वही दे देंगे जो हमने यहाँ दिया है। तो यहाँ हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे, हमारा हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी की है, तो जब भी कोई इनमें से कोई की प्रेस हो तो उसमें अपने आप ये क्लास प्लेइंग है जो हमारी ऐड हो जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं की डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ हम लिख देंगे प्लेइंग। तो देखते हैं कैसी लग रही है हमारी वेब ऐप। तो हाँ गाइस, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, पर ऐसे बढ़िया नहीं लग रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो कलर आ रहा है तो ये साउंड जब प्ले होना बंद हो जाए तो ये अपने आप चला भी जाए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन का, दिस डॉट सेट टाइम आउट, और यहाँ हम लगाएंगे फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे की डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव प्लेइंग। और यहाँ हम टाइम दे देते हैं इसे, आई थिंक 0.7 सेकंड सही रहेगा, इसका मतलब मुझे रखना है 700। अगर मैं यहाँ 1000 लिखता तो उसका मतलब 1 सेकंड होता, और इसका मतलब है 0.7 सेकंड। तो अब देखते हैं कैसी वर्क कर रही है हमारी। तो हाँ गाइस, अब ये बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रही है और एक बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ ही हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। तो गाइस, अब मैं आपको एक टास्क दूंगा, जो मैंने आपको प्रीव्यू में वेब ऐप दिखाई थी वो ये थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे कीज़ हैं उसके नीचे जो उन पे असाइंड साउंड्स हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो आपको यही करना है, हमने ये जो वेब ऐप बनाई है तो इनकी भी कीज़ के नीचे इनका साउंड का नेम लिखना है। आप इसमें स्पैम टैग या डिव टैग जिसका भी यूज़ करें उसका कर सकते हैं, और कुछ भी कलर वगैरह दे सकते हैं इसको। तो गाइस, मैं इस पूरी वेब ऐप का जो हमने बनाई है इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे नीचे कमेंट करें। और आप ये जो वेब ऐप बनाई है अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, गिटहब पे पब्लिश कर दीजिए इसको, तो उसकी एक लिंक बन जाएगी। और अगर आपको नहीं करना आता तो आप वो भी कमेंट नीचे कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। ओके, तो बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।